हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। सो दोस्तों, यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर कई बार जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो उनको अब हम इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और जो पॉलिटी वाला पार्ट था वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक भी रह गए थे जो कि हमने वहाँ पे कवर नहीं किए थे, पर साथ साथ में क्वेश्चन के साथ साथ में हम इनको कवर कर लेंगे। और पहली क्लास है इसलिए आई होप आपको पसंद आएगी। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है क्लास में तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला आता है, तो वन क्वेश्चन है हमारा, ये हमारी इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाता है यूके, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम। यूके जो है इसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूके का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यही पे यूएसए के, तो यूएसए देखिए भारत का सॉरी पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला कौन सा देश रहा है? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया था वो है यूएसए, ठीक है। अमेरिका जो है वो बन जाता है पहला देश जिसने पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। वहीं पे अगर हम इंडिया के लिए बात करें तो इंडिया की इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आती है कि भारत का जो है वो सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? भारत का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है वो सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये पॉइंट भी आपसे पूछा जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यूएसए कौन सा कंट्री है जिसका सबसे पहला संविधान बना था? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा यूएसए, मतलब अमेरिका। एंड वहीं पे बात करें सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो ये है भारत का। और अनरिटन पूछा जाए तो वो हो जाएगा हमारा यूके का, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर वन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडेप्टेड इन, तो भारत के संविधान को कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 31 दिसंबर 1949, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो भारतीय संविधान को जो है वो 26 नवंबर 1949 को जो है वो क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था कि हाँ भाई ये भारतीय संविधान जो है बनकर तैयार हो गया है। पर यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि इसको इन्फोर्स कब किया गया था, इसको लागू कब किया गया था। तो लागू कब किया गया था? लागू किया गया था यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो है वो इसको इन्फोर्स में लाया गया था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे 26 नवंबर को जो है वो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, इसलिए हम 26 नवंबर को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाई, तो ऐसी कौन सा कमीशन बना, ऐसी कौन सी कमिटी बनी जिसकी मदद से भारतीय संविधान को बनाया गया, ठीक है। तो आप सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात अगर हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी बनाई गई होगी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, ठीक है ना। तो ये कौन बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, ठीक है ना, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान को फ्रेम किया था। यहीं पे अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट साहब के बारे में, तो प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम बात करें तो कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है? तो आर्टिकल 52 जो बात करता है वो प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ से ली गई है, कौन सी कंट्री के संविधान से ली गई है, तो पोस्ट कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है, है ना। और इम्पीचमेंट प्रोसेस जो हटाने की प्रोसेस जो होती है प्रेसिडेंट को, वो कहाँ से ली गई है? तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है ये भी कहाँ से? यूएसए से ली गई है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन के आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन हाउ मेनी पार्ट्स, तो भारतीय संविधान में कितने भाग हमें देखने को मिलते हैं, कितने पार्ट जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं।
जल्दी से बताइएगा सभी लोग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं? ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि पहले कितने पार्ट हुआ करते थे। तो पहले पहले की अगर हम बात करें, जब भारतीय संविधान बना ही बना था उस टाइम पे 22 पार्ट हुआ करते थे, 22 पार्ट्स हुआ करते थे। एट प्रेजेंट कितने हैं? तो प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट में पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 25 हो जाएगा। ठीक है ना, 25 हो जाएगा। चलिए और बताइएगा कि भारतीय संविधान में अभी जो है आर्टिकल कितने हैं, जल्दी से बताइएगा। तो आर्टिकल यहाँ पे कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे हमारे आर्टिकल हो जाते हैं कितने, 495। कितने होते हैं? 495 आर्टिकल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पार्ट कितने हैं? तो पार्ट निकल के आते हैं 25, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और शेड्यूल कितने हैं, शेड्यूल अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो शेड्यूल हमारे निकल कर आते हैं कितने हैं हमारे पास, 12 जो है, कितने हैं, 12 शेड्यूल हमें देखने को मिलते हैं। पहले कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। पहले पार्ट कितने थे? तो पहले 22 पार्ट थे। पहले शेड्यूल कितने थे? तो पहले कितने थे, 8 थे। ये किस टाइम की है? जब भारतीय संविधान को बनाया गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया गया था, उस टाइम पर ये थे। उसके बाद दिनों में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए और इनमें चेंजेस हो गए। ठीक है, तो ये चीज आपको प्रेजेंट की ध्यान में रखनी है। आगे बात आती है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट। तो कौन सा पार्ट है जो फंडामेंटल राइट, भारतीय मौलिक अधिकार जो होते हैं उनसे डील करता है? तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो पार्ट 3 जो है ये हमें बताता है किसके, मौलिक अधिकार के बारे में। वही बात करते हैं, ये फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। ये किसके बारे में बात करता है, ये DPSP पार्ट 4 हमें बताता है, DPSP डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। यही अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 हमें बताता है किसके बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, नागरिकता के बारे में बात करता है। और पार्ट 1 हमें क्या कहता है, पार्ट 1 हमें बताता है इंडियन स्टेट एंड इंडियन यूनियन टेरिटरी के बारे में। ये बात करता है, कौन बात करता है, पार्ट 1 बात करता है। ठीक है ना, तो हमारे ये क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आज हमारी पहली क्लास है, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। बहुत सारी इसमें गलतियां होंगी, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा, है ना। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए।